अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खरीद से होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अच्छा, आज की वीडियो अपवर्क के रिलेटेड है, फ्रीलांसर्स के लिए, जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और जिनका अकाउंट वगैरह है अपवर्क पे, खासकर उनके लिए जिनका अभी तक अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ, उनके लिए भी मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई हुई हैं, या अकाउंट क्रिएट करने पर सारी चीज़ें फाइवर पर वो मौजूद हैं। अगर किसी का नहीं है वो वहाँ जाके बना भी सकता है देख के, अगर किसी को नहीं पता तो। अच्छा, अपवर्क की एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। आया तो काफ़ी अरसे से हुआ लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सका, टाइम नहीं लगा मेरा और चीज़ों पे मसरूफ़ था। तो ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, इसमें ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है फ्रीलांसर्स के लिए, कि अगर आपका क्लाइंट जो है उसके पास अपवर्क अकाउंट नहीं है, आपको बाहर से वो आता है वो कहता है कि यार मेरे पास अपवर्क नहीं है, फाइवर से आपका क्लाइंट कोई आ रहा है या freelancer.com से आ रहा है, guru.com से आ रहा है, लेकिन आपकी प्रोफाइल है अपवर्क पे लेकिन उसका अकाउंट नहीं है, तो वो कहता है कि भाई मैं कैसे आपको पे करूँ। तो पे करने के लिए ये अपवर्क ने एक सिस्टम दिया अपना डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इजी है और इतने फ़ायदेमंद हैं कि इसका हिसाब ही नहीं है। क्योंकि वैसे अपवर्क जो है वो जो करता है तकरीबन लेता है 20%, ठीक है, तो आपकी जैसे जैसे अर्निंग बढ़ती है, मेरे ख्याल 500 था आई थिंक, $500 जब आप अर्न करते हैं एक क्लाइंट से तो लॉन्ग टर्म जो होता है, तो तब आपका जो 10% हो जाता है कमीशन, उसके बाद आई थिंक $2000 है या 5000 पे जाके वो 5% होता है। सो करना इसमें क्या है, जब ये आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर आपका क्लाइंट यहाँ पे नहीं है तो यहाँ से अगर आप क्लाइंट को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए पेमेंट करवाते हैं अपवर्क पे, तो यहाँ आपको बहुत थोड़ी फ़ीस पे करनी पड़ती है, आपका जो कमीशन जो 20% था वो उतना नहीं होगा, कम होगा, और क्लाइंट को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ तरीकेकार क्या होता है, क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल सा सामने बना हुआ है, आपने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट खोलना है, यहाँ पे ऊपर खड़ा है, आपको पहले यहाँ दिखा दूँ कि ये जो ऑप्शन है हमारी प्रोफाइल पिक्चर के साथ आ रहा होता है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जहाज सा बना हुआ, जो ऐसे बनाते थे ना वो कागज़ वाला जहाज, वो वाला, इसको दुमाएँगे तो खुल जाएगा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के सामने आगे ले आओ, यहाँ इन्वाइट क्लाइंट है, अगर आप क्लाइंट को इन्वाइट करना चाहते हैं तो इन्वाइट भी करें अपवर्क पे, लेकिन आप क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट करके उसका कर सकते हैं काम। इसमें है क्या चीज़, ये देखें एक नंबर पे, हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, क्रिएट एंड सेंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू योर नॉन अपवर्क क्लाइंट, जो अपवर्क के जिनकी आईडी नहीं है जिन क्लाइंट्स की, उनको यानी कि आप यहाँ पे क्रिएट करके कॉन्ट्रैक्ट उनको सेंड कर सकते हैं, योर क्लाइंट एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिपॉजिट फंड्स इन इस्क्रो, ठीक है, यानी कि वो डिपॉजिट करवा देगा, जैसे माइलस्टोन होती है कह लें कि वो आपको डिपॉजिट हो जाएगा अपवर्क के पास, जब आपका काम कंप्लीट होगा तब आपको ये रिलीज़ करेगा पेमेंट, ठीक है। थर्ड वन क्या, गेट पेड व्हेन यू कंप्लीट द वर्क, फ्रीलांसर को तभी मिलेगा जब कंप्लीट हो जाएगा वर्क, ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम टू कॉन्ट्रैक्ट्स टाइप, अब इसमें भी दो हैं, एक फिक्स प्राइस वाला है, स्टार्टिंग में जब इन्होंने ये मुतारफ कराया था तो एक ही था फिक्स प्राइस था, अब इनका ये न्यू आ गया अर्ली का भी, यहाँ पर आप अर्ली भी कर सकते हैं, मैनुअल आप टाइम ऐड करेंगे, टाइम ट्रैकर नहीं होगा, ठीक है, ये उन्होंने बताया हुआ, सेट एन अर्ली रेट फॉर ऑनगोइंग वर्क एंड गेट पेड वीकली, नो टाइम ट्रैकर, इसमें टाइम ट्रैकर नहीं है लेकिन आप मैनुअल ऐड करेंगे, लेकिन अर्ली आप चल सकते हैं क्लाइंट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे और जो दो तीन चीज़ें जो असल चीज़ें हैं, वाई यूज़ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, पेमेंट प्रोटेक्शन एक तो है, ठीक है, पेमेंट प्रोटेक्शन जाहिर सी बात है, इसको पहले पेमेंट चली जाएगी, ये कुछ कमीशन अपना लेगा अपवर्क, लेकिन हमें पेमेंट की गारंटी होगी जैसे हम इनके क्लाइंट्स के साथ कर रहे होते हैं, ठीक है। एक वो टेंशन नहीं होती कि बाहर क्लाइंट है पेबाल से करेगा या पेनियर से करेगा, किसी और तरीके से भी करेगा तो वो कहीं भाग ना जाए, पैसे ना दे, चीज़ें होती हैं ना। अब इसमें फ़ीस कितनी है, जो कितनी परसेंटेज हम दे रहे होते हैं डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में, ऑन पे ओनली 3.4% फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, 3.4% खुद हिसाब लगा लें, 16.6% कम है, वैसे 20% होती थी, अब जो 3.4% होगी यहाँ पर अगर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो। योर क्लाइंट डज नॉट पे अ फी, क्लाइंट को कुछ नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, पहले क्लाइंट भी उधर पे करता था जो यहाँ पे रजिस्टर्ड क्लाइंट है, अब यहाँ क्लाइंट को भी एक चीज़ मिलेगी भी मैंने नहीं देना इनको कुछ भी, सिर्फ 3.4% फ्रीलांसर के खाते से जा रहे हैं, क्लाइंट को कुछ नहीं पे करना पड़ रहा, उसको भी इजी हो गया, ठीक है। गेट पेड इंस्टेंटली वंस योर क्लाइंट रिलीजेज योर पेमेंट फ्रॉम इसक्रो, यू हैव इमीडिएट एक्सेस टू इट, जैसे कंप्लीट हुआ उसने एक्सेप्ट किया कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आपको उसे इसकी जो है एक्सेस है उसको विड्रा करने की, ठीक हो गया। Easy for clients. Your client doesn't have to create an Upwork account to accept and fund contracts. उसको कोई अकाउंट बनाने की यहाँ ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्ट अपने पेपाल से किसी और सर्विस जो उनकी यूज़ होती है बाहर उनके जरिए वो फॉरन करवा सकता है। डिस्प्यूट असिस्टेंट, अब ये क्या, वी ऑफर मेडिटेशन सर्विस इफ़ यूर प्रोजेक्ट हिट्स अ स्नैक,
यानी कि अगर कोई इशू होता है तो ये हमें असिस्टेंस भी देते हैं डिस्प्यूट, जैसे हम वैसे आम कॉन्ट्रैक्ट्स में होता था, यहाँ भी वो होगा। यानी कि आपके पास सारी सहूलियात अकबर की आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3.4% परसेंटेज के अंदर जो आप कमीशन दे रहे हैं, पहले हम 20% दे रहे थे, अब हमें सिर्फ 3.4% में वही सारी सर्विसेज अकबर की जो मिल रही होंगी, ठीक है। और क्लाइंट को कुछ नहीं पे करना पड़ रहा, इसलिए क्लाइंट के लिए भी ईजी हो जाता है, ठीक है। अब इसका भेजने का तरीका क्या है, जस्ट क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, इसको आपने क्लिक करना है। क्लाइंट्स ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस आपको क्लाइंट देगा, जहाँ उसका पेपाल है या जो चीज़ भी है, ठीक है, जो भी अकाउंट होगा, आप उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे देंगे। नीचे कॉन्ट्रैक्ट नेम आप रखेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट नेम क्या है, अगर हम मिसाल के अर्ली डेट पे चल रहे हैं, हम कर रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट के लिए है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे सॉरी वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इसकी दे देंगे, हाँ, प्रोजेक्ट फॉर 20 आवर्स, ठीक है, कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं जो आपका डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट टाइप क्या है, हम फिक्स प्राइस दे देते हैं कि जी फिक्स प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे, सॉरी क्लाइंट्स ईमेल एड्रेस, यहाँ पे मैं अपना ही ईमेल दे देता हूँ वैसे एक तो, ठीक है जी। इसको हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब वो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट कितनी है वो बताएँगे। कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट 20 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं, तो कितना मान गया, $80। अब यहाँ अगर हम पहले करते तो हमें इसका कितना मिलना था, हमें तकरीबन $64 मिलने थे, ठीक है, 20% के साथ कटौती करके। तो अब यहाँ हमें मिलेंगे 77.28, ठीक है। यहाँ हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं, प्रोजेक्ट फॉर 20 आवर्स $80, फ्रीलांसर अजीमुल्ला, ऐड अ नोट ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहें आप इसको ऐड कर सकते हैं। ईमेल में या प्रीव्यू, वांट टू प्रीव्यू द ईमेल योर क्लाइंट विल रिसीव, अगर हमने देखना है भी क्लाइंट क्या रिसीव करेगा, वो प्रीव्यू कैसा होगा उसका, हम यहाँ वो चेक भी कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई इशू वाली बात नहीं। आगे हमने यहाँ पे ये येस आई अंडरस्टैंड एंड एग्री टू द अवर टर्म्स ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग द डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी, इसको तो करना ही पड़ता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन तो जब भी हम कोई भी काम करें तो एक्सेप्ट करनी है। ये एक्सेप्ट करके इसको चेक करके इस बॉक्स को, देन सेंड कॉन्ट्रैक्ट पे हम बटन पे क्लिक कर देंगे और ये चला जाएगा। अगर क्लाइंट अगर एक्सेप्ट करेगा तो हमारा ये डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें मिनिमम फीस हमें देनी पड़ेगी 3.54%, जो पहले 20% होती थी, ठीक है। सिंपल सा है, कोई चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है, और सबसे आसान काम है थोड़ी फीस में क्लाइंट से, जो अगर आपके पास फाइबर पे क्लाइंट है तो फाइबर पे भी उससे अगर वो कहता है कि यहाँ नहीं मैं पे कर रहा, मैं अर्ली रेट पे आ रहा हूँ, ये ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, अवर्क पे ले आएँ। अगर आपको आउटसाइड से कोई क्लाइंट मिलता है उसको आप यहाँ पे ले आएँ, यहाँ से आप करवा लें, तो आपको जो है बिल्कुल थोड़ी फीस के अंदर जो है आपको कामयाब कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह वीडियो उम्मीद है बड़ी मज़े की रही होगी, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए जी, खुदा हाफिज़।